एक बार बाइक को भगा के भी आप लोगों को दिखा 100+ गाइस, इससे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आता है एंड बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे एंड मौज मस्ती में होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना बाइक पे जो ड्यूक 250 का हैंडल बार है वो इंस्टॉल हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से एंड अभी लुक कुछ ऐसा निकल के आ रही है। एंड मैंने इस हैंडल बार को यूज़ करते हुए लगभग 7 to 8 days हो गया है कंप्लीट। एंड मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, वो मैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले लुक देखो भाई, क्या दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। एंड एक बार पीछे से भी आप लोगों को लुक दिखा देते हैं। पीछे से अभी कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिल रहा है, ये देखो इस साइड से कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिल रहा है बैक साइड से, भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही है। एंड हैंडल बार को मैंने जो है मैंने थोड़ा ऊपर की साइड कर दिया, अपराइट कर दिया है कुछ ऐसा, ताकि पोजिशन थोड़ा अपर रहे एंड ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तो वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस हैंडल बार के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसका हैंडलिंग कैसा है एंड वॉबलिंग आता है कि नहीं एंड वाइब्रेशन का क्या हाल चाल है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो चलो छोटा सा राइड लेते हैं एंड आप लोगों को बताते पूरा बातें एक्सप्लेन करते। तो चलो तो सबसे पहला जो मुझे फील हुआ इस बाइक पे बैठने के बाद इस हैंडल बार के साथ, तो वो है भाई इसका कंफर्टेबल। भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है बाइक एंड आप देख ही सकते हो मैं कैसे बैठा हूँ। ये देखो मेरा हाथ कुछ इस तरीके से है एंड अगर आप इस हैंडल बार को लगाते हो ना, तो भाई आप बहुत ज़्यादा दूर तक राइड कर सकते हो, आपका बिना कोई बैक पेन, हाथ में भी दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, भाई बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एंड और मुझे फील हुआ कि वाइब्रेशन देखो भाई इसमें, भाई आपको वाइब्रेशन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है ना, ये जो लगा है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। पहला वाला जो स्टॉक होता है वो इस मतलब जो USD फोक्स है इसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो वाइब्रेशन आपके हाथ में आता है एंड ये वाला कन्वर्शन किट लगाने के बाद पूरा वाइब्रेशन आपका ये किट ही रख लेता है, आपके हाथों तक आने ही नहीं देता भाई वाइब्रेशन। एंड बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड बहुत लोग बोलते हैं कि भाई NS पे अगर मतलब आफ्टर मार्केट हैंडल बार डालते हो तो भाई बहुत ज़्यादा वॉबलिंग करती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस हैंडल बार को जिस दिन लगाया उस दिन मैंने 120 के आसपास भगाया है बाइक, मुझे कोई भी वॉबल देखने को नहीं मिला, एकदम स्टेबल बाइक होता है। एंड एक बात मैं आप लोगों को बताया, तो अगर आप लोग सिंगल हैंड इसको यूज़ करोगे, एक हाथ से अगर भगाओगे ना, अगर ज़्यादा स्पीड में रहोगे तब थोड़ा बहुत वॉबल करने को वॉबल करते हुए हमें दिखता है। ये देखो कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत वॉबल करती है एंड वैसे अगर आप स्टॉक के साथ भी ट्राई करोगे वो भी वॉबल करती है सिंगल हैंड जब इसको राइड करोगे। एंड अगर आप दोनों हाथ को ऐसे रख दोगे तो भाई थोड़ा भी वॉबलिंग नहीं, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं फील होता एंड आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। आपका जो हैंडल बार है वो ऊपर आ जाता है, तो अगर आप कोई कट वगैरह मारना चाहते हो तो भाई बहुत ईजीली तरीके से कट मार सकते हो, क्योंकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहता है इस हैंडल बार के साथ में। एंड कंफर्टेबल तो भाई आप देख ही सकते हो, क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओ भाई भूसा, ओ भाई रेड कलर का भूसा गया था भाई अभी ब्रो, रियल लाइफ में आज मैंने पहली बार भूसा देखा। ZX चैनल देखा है पहली बार, लेकिन आज फर्स्ट टाइम था जब मैंने भूसा को देखा भाई, पता नहीं कैमरा में देखा कि नहीं देखा, रेड कलर का था भाई। एंड अगर आप लोग इसको लगाना चाहते हो तो भाई लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखना, पहले मैंने जिस तरीके से लगाया था हैंडल बार को मतलब यहाँ पे होल करके, वो वाला काम आप लोग कभी मत करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता है एंड बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। अगर आप इस कन्वर्शन किट का यूज़ करोगे तो भाई आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा एंड आपका हैंडल बार जो है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो कंफर्टेबल और भी ज़्यादा हो जाता है एंड वाइब्रेशन तो भाई एकदम ज़ीरो हो जाता है। एंड अभी मैं एक बार बाइक को भगा के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना स्टेबल है। भाई 120 तक भगाया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वॉबलिंग नहीं, लेकिन सिंगल हैंड यूज मत करना, मैं आपको बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ ये वाला बात कि सिंगल हैंड यूज मत करो। सिंगल हैंड यूज करोगे तो भाई वॉबलिंग करेगा एंड आप गिर जाओगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड आउट, राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।